मंच पर विराजमान डॉक्टर कोहली जी, श्रीमान अवस्थी जी, श्रीमान राकेश जी, सभागृह में उपस्थित आदरणीय बंधुओं, बहनों, मुझको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा बहस एकेडमिक है और मैं एकेडमिक आदमी नहीं हूं भाई, एक समाज सेवा के काम में लगी स्वयंसेवी संस्था का एक कार्यकर्ता हूं। छोटी सी बात में राकेश जी ने जो बोला कि संघ स्वतंत्रता आंदोलन, ये बात यही तक सीमित नहीं है, लोग बहुत सारा प्रश्न खड़ा करेंगे, संघ ने अस्पृश्यता के लिए क्या किया, संघ ने समाज में संस्कार देने के लिए क्या किया, संघ ने जो सामाजिक और समस्याएं कुरीतियां हैं उसके लिए क्या किया, और हर बात का जवाब हमको देना है। और इसलिए आप जैसे जो विद्वत लोग, विद्वत समाज के लोग यहां बैठे हैं, समझदार लोग सब बैठे हैं, एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप में जानना है, संघ कोई काम नहीं करेगा। बेसिक बात है, फंडामेंटल बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई समस्या के समाधान के लिए काम करने वाला नहीं है, हमने बेसिकली इसको एक्सेप्ट किया है। और इसलिए ये प्रश्न उठाना कि हेडगेवार ने क्या किया, संघ ने क्या किया, बेसिकली रॉन्ग। हाँ, समाज की सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जो है, कार्यकर्ता है, वे सारे देश की सभी समस्याओं पर निगाह रखते हैं, जितना सामर्थ्य है समाज के अच्छे बंधुओं को साथ लेकर उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। इस कार्य शैली को अगर जो लोग नहीं समझते, वे बात बात में प्रश्न खड़ा करते हैं। संघ को कोई इसमें भ्रम नहीं है, संघ के स्वयंसेवकों को कोई भ्रम नहीं है, कहीं कैसी भी समस्या आती है तो वह स्वयंसेवक दौड़ के जाता है, स्वयंसेवक की जिम्मेदारी, नहीं जाएगा तो एक आश्चर्य होगा, समाज के लोगों को साथ लेकर के जाता है। जहां अशिक्षा है वहां स्वयंसेवक जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्यालय नहीं खोलता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा के संस्थान और छात्रावास नहीं चलाता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये काम नहीं है। संघ ने काम पक्का किया है कि सामान्य नागरिक का जो लेवल ऑफ नेशनल एंड सोशल कॉन्शियसनेस है, इसको बढ़ाना, उसको चरित्रवान बनाना, उसको निष्ठावान बनाना, उसको श्रद्धावान बनाना, मातृभूमि के प्रति समर्पित बनाना, और अपनी समस्त शक्तियों और क्षमताओं को समाज के लिए समर्पित करने के लिए आगे बढ़ाना, हम ये काम करते हैं, बाकी सारे काम वो करता है। और इसलिए बहुत प्रारंभ में ही हम लोग कोशिश करते हैं कि संघ के बारे में ये स्थिति स्पष्ट लोगों को रहे, इनको होती है वो समझ जाते हैं, जो नहीं समझ पाते बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं, हमको इन प्रश्नों की कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारा काम है ही ऐसा कि इसमें कि नागरिकों का, कार्यकर्ताओं का, सामान्य जन का एक संस्कार प्रबोधन होना चाहिए, एक हम शांति का, एकांत का, और एक वर्ग में होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, ये मासेस का काम भी नहीं है, धीरे धीरे बढ़ते 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 25 से लेकर के आज 50,000 संघ की शाखा और 18-19,000 शाखाओं के अतिरिक्त दूसरे संस्कार के केंद्र संघ चलाता है, जो संघ का संस्कार देते हैं। ये 70,000 स्थानों पर संघ की गतिविधि चलती है, ये स्वयंसेवक लाखों स्थानों पर काम करता है। इस कार्य को अपने को ठीक पद्धति से समझना। अब मैं अपने विषय पर आता हूं। डॉक्टर हेडगेवार जी का जो राष्ट्र दृष्टि एक विषय मेरे लिए उन्होंने दिया है, तो इसमें सबसे पहले मेरे मन में ही एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, अपने इस राष्ट्र का दर्शन क्या है, अपने इस राष्ट्र की फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी शब्द दर्शन के समानार्थी नहीं है, फिर भी समझने की दृष्टि से हमारे राष्ट्र का इतिहास क्या है, हमारे राष्ट्र की परंपरा क्या है, राष्ट्र का वैशिष्ट क्या है, हमारे राष्ट्र का उद्देश्य क्या है, हमारे राष्ट्र की विश्व जगत में विशेषता क्या है, और हमारे राष्ट्र की विस्तृत दृष्टि से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वैश्विक जागतिक दायित्व
रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आश्चर्य की बात, संविधान निर्माताओं ने इस मौलिक विषय पर विचार करना उचित ही नहीं समझा। भारत एक राष्ट्र इतना लिखा, इंडिया ए नेशन इतना लिखा, बस इसके बारे में कानून और लॉ, ये अधिकार वो अधिकार, विधानसभा लोकसभा ये कोर्ट वो आर्टिकल है, सब विषय में उन्होंने लिखा है। राष्ट्र का दर्शन नहीं है ये, किसके लिए है ये, भारत है क्या, भारत कब अस्तित्व में आया, इसकी परंपरा क्या है, विशेषता क्या है, लीगेसी क्या है, हेरिटेज क्या है। शांत, ये बड़ा आश्चर्यजनक सत्य है। डॉक्टर संपूर्णानंद बहुत विद्वान हो गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, शिक्षाविद थे, वे शिक्षा के बारे में एक बड़ा सुंदर लेख लिखते हैं और कई समितियों के भी अध्यक्ष रहे। एक इमोशनल नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी थी, उसके भी अध्यक्ष थे। शिक्षा के बारे में कुछ सुझाव केंद्र सरकार को दे देते हुए लिखते हैं, इस देश में शिक्षा का कोई दर्शन नहीं है। शिक्षा का दर्शन क्या होगा, वे लिखते राष्ट्र का ही कोई दर्शन नहीं है। वे लिखते संविधान सभा के लोगों को इसकी फुर्सत ही नहीं थी, उनको कोई दिशा ही नहीं थी, क्या था भगवान जाने। ये राष्ट्र क्या है, जब राष्ट्र का ही दर्शन नहीं तो विद्यार्थियों के सामने क्या दर्शन, क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य वे रखेंगे। एक रडरलेस बोट की तरह विद्यार्थी भटकता है, उसका गंतव्य क्या है, दिशा क्या है, कुछ पता नहीं। और इसलिए एक पहला एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हमारे राष्ट्र का दर्शन क्या है, हू वी आर, हम कौन हैं, क्या कारवां आते गए हिंदुस्तान बसता चला गया ये है, क्या 15 अगस्त 1947 को इस भारत राष्ट्र का जन्म हुआ ये है, या 10-20 हजार साल पुरानी हमारी कोई परंपरा है, हमारी कोई मान्यता है, हमारी कोई विशेषता है, हमारी कोई आत्मा है। आश्चर्य की बात, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, ये घोर चिंता की बात है। जैसे बताया, पश्चिम का जो नेशन है वो राष्ट्र नहीं है, वो अलग विषय है, लेकिन फिर भी पश्चिम में जो राष्ट्र या जो नेशन कहे खड़े हुए, उनका आधार क्या है। जो पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, हिस्ट्री के लोग अच्छे से जानते हैं, मैं उस विषय में ज्यादा गंभीरता से नहीं जाऊंगा, लेकिन पश्चिम के जो नेशंस हैं उसका आधार या तो लैंग्वेज था, या रिलीजन था, या ट्राइब था, या क्लेम था, या शक्ति थी, या इकोनॉमिक एस्पेक्ट था, इसके अलावा कुछ नहीं। वो चाहे यूनान ग्रीक से लेकर के रोम में आइए, बेबिलोनिया में आइए, ईरान का पुराना था उसमें आइए, चाहे आज का जो परिदृश्य इसमें आ जाइए, कहीं उसका आधार एक बड़ा ग्रुप रहा, उसने साम्राज्य स्थापित कर लिया, कहीं पर वो लैंग्वेज के रूप में आया, कहीं वो रिलीजन के रूप में आया, और आज भी वही दिख रहा है। एक भाषा भाषी दूसरे भाषा भाषी के साथ रह नहीं सकता, आयरलैंड और इंग्लैंड साथ नहीं रह सकता, यूके और आयरलैंड में झगड़ा है, देखिए ना, आयरिश जो है अलग है, यूके वाला अलग है, जर्मन अलग है, फ्रांस अलग है, पुर्तगाल अलग है, स्पेन अलग है, एक रिलीजन होने के बाद भी दो भाषा के लोग रह नहीं पाते। एक्सट्रीम इंटॉलरेंस, अत्यंत असहिष्णुता जो है वो वहां पैदा होती है। अभी देख रहे हैं सीरिया में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, थोड़े से सुन्नी थोड़े से शिया रह नहीं सकते। तो सद्दाम साहब थे तो उन्होंने कुर्दों के साथ क्या व्यवहार किया, दूसरे शिया लोग आ गए तो सुन्नी लोग क्या कर रहे हैं, दोनों इस्लाम के मानने वाले हैं लेकिन दोनों के सब सेक्ट अलग है, एक रिलीजन होते हुए भी तो सब रिलीजन एक तरह से अलग हो गया, मिलकर के बैठ नहीं सकते। उसमें से ये पश्चिम का राष्ट्र है, या हम राष्ट्र ना कहें, वो नेशंस खड़े हुए हैं। कैसे लिथुआनिया अलग हो गया, कैसे कजाक अलग हो गए, कैसे उज्बेकिस्तान अलग हो गया, कैसे यूक्रेन अलग हुआ, यूएसएसआर में क्यों अलग हुआ। पश्चिम के लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे 15 अगस्त 1947 के बाद ये देश बिखर जाए, कैसे बिखर जाएगा, हमारे राष्ट्र को समझते ही नहीं है। एक जिला भी इस देश में से अलग नहीं हुआ 47 से लेकर आज तक। हमारा जो राष्ट्र का दर्शन है पश्चिम के नेशन से न प्रभावित है, न उनसे किसी प्रकार से इंस्पायर्ड है, न उनको देख करके विकसित हुआ या राष्ट्र दर्शन हजारों वर्ष पुराना। ये पॉलिटिकल नहीं है, इकोनॉमिक भी नहीं है, और इसलिए इसकी अवधारणा बहुत अलग है।
उसको समझने की आवश्यकता है भारत राष्ट्र है क्या। अब मैं आपके सामने छोटे से एक दो तीन उदाहरण देता हूं। ईसा पूर्व 300 वर्ष पूर्व एक बड़ा भारी ग्रीक व्यक्ति आता है भारत में दूत बन करके। धीरे धीरे वो तो भारत में रम गया। फिर दूसरा एक ग्रीक दूत आया, वो विदिशा में आ गया, उसका नाम हेलियोडोरस है, वो भारत में रम गया। उसका एक बड़ा भारी स्टोन पिलर विदिशा में बेस नगर में लगा हुआ है, उसमें सुंदर भाषा में लिखा है, अभिलेख है, ईसा पूर्व का है। वो लिखता है, मैं हेलियोडोरस ग्रीक हूं, लेकिन यहां आकर के परम भागवत वैष्णव हो गया। क्रमांक दो, उस समय जो शक आए उसमें जय बामन है, जय वर्मन है, बाकी लोग सब शैव हो गए। क्रमांक तीन, ये कनिष्क जो है बड़ा क्रूर बर्बर है, ये बौद्ध हो गया। बड़ा क्रूर है, मिहिर कुल है, वो कश्मीर में जाता है, हूण है, बहुत अत्याचार करता है, शांत हो गया, बौद्ध हो गया। कुदल कैट फिसस है, ये बौद्ध हो गया। विम कैट फिसस है, ये तो शैव हो गया। लंबी परंपरा, एक इसमें एक प्रश्न खड़ा होता है, ईसा पूर्व 300 से लेकर के और सातवीं शताब्दी तक हजारों लाखों की संख्या में विजेता के रूप में ग्रीक अर्थात यवन लो, ये शक, ये सीथियन लो, ये हूण और कुषाण लो भारत में आए, ये बर्बर थे लेकिन शक्तिशाली थे, ये विजेता के रूप में भी आए थे। बड़ा भारी साम्राज्य भारत में उन्होंने जीत लिया था, जब मगध तक गए थे, उज्जैन तक गए थे, मालवा, पूरा उत्तरी भारत इनके आधिपत्य में आ गया। ये जीते हुए विजयी लोग थे। कौन बात ऐसी थी जो भारत की संस्कृति में विलीन हो गए? न कोई शक है आज, न हूण है, न कुषाण है, न कोई सीथियन है। कौन सी परंपरा थी, कौन सा ऐसा भाव था, कौन सा वो दर्शन था जो उनको एसिमिलेट कर लिया? इतिहासकारों को इसके ऊपर शोध के लिए समय नहीं है, वो इसी बात पर लगे हुए हिंदू राष्ट्र कैसे हो गया। अरे हिंदू राष्ट्र ही था ये, इसकी जो सर्वजन समन्वयात्मिका प्रज्ञा थी वो बड़ी विलक्षण थी, सर्व समन्वयात्मिका बुद्धि थी, ये दुनिया में पैरेलल थी। हारा हुआ समाज जीते हुए समाज को कैसे पचा गया, ये दुनिया का आश्चर्य था। ये हिंदू राष्ट्र था, शब्द हिंदू उन्होंने प्रचलित नहीं था, हमको इस शब्द की जरूरत भी नहीं थी। कोई शैव था, कोई वैष्णव था, कोई बौद्ध था, कोई जैन था, ऐसे शब्द सारे देश भर में थे। लेकिन अपना देश जैसे ने बताया ना, किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर पचा पाने का सामर्थ्य रखता था, वो दर्शन रखता था। वो दर्शन क्या था? वो दर्शन हिंदू राष्ट्र का था। नाम उसको कोई सा दे दीजिए, भारतीय दे दीजिए, हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको समझने की जरूरत है। फिर एक काल ऐसा आया जिसमें एक शत्रु ऐसा लगा जिसको ये समाज पचा नहीं पाया, वो एक्सट्रीम इंटॉलरेंट था, वो एक संकल्प लेकर के आया था, अपने मत में ही सबको बदल देने का उसका संकल्प दृढ़ था। भारतवासियों के लिए ये अजीब था, ऐसा पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो हरेक के लिए शत्रु था, वो जैनियों के लिए भी शत्रु था, बौद्धों के लिए भी शत्रु था, शैव और वैष्णवों के लिए भी शत्रु था। वे चाहे वे किसी भी मत के मानने वाले थे नहीं थे, वे सबको परावर्तित करके अपने संप्रदाय में लाने के लिए कृत संकल्पित था। वो मुसलमान था, वो इस्लाम था, ये सारा का सारा समाज परेशान हो गया, हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, वो कॉमन एनिमी है। कुछ इतिहासकारों का मत है, सहमत होना नहीं होना सबकी इच्छा अलग है, मैं नहीं कहता वो सच है। कुछ इतिहासकारों का मत है, ये जो आइडेंटिटी हम कौन, उसमें से हिंदू शब्द तेजी से प्रचलित हुआ, पैदा नहीं हुआ। वे तो मुसलमान इसका, हम कौन, हम हिंदू। इसलिए सारा मिला करके पूरा समाज देश का धीरे 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 अपने आप को हिंदू कहने लगा। मानिए मत मानिए इसको, इसकी आवश्यकता नहीं। एक चर्चा, समय आगे बढ़ा, देश पराधीन हो गया, 600-700 वर्षों की बड़ी पराधीनता इस देश ने सहन करी। ग्रियर्सन और बर्नेट नाम के दो बड़े लेखक हैं, हम में से जो लोग जानते हो इनको जानते होंगे। और ग्रियर्सन बर्नेट लिखता है, दोनों लिखते हैं कि कौन सी ऐसी बात थी 600-700 साल में लगातार
हारे हुए पराजित इस समाज को जागृत रखे हुए थी, कोई बात तो थी। दोनों लिखते हैं कौन बात ऐसी थी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात पंजाब सिंधु से लेकर आसाम के जंगलों तक, शहरों और गांवों में वो अलग जगा रहे थे और किसी भी प्रकार से इस राष्ट्र को मरने नहीं दे रहे थे। उसने जो जो उसने विशेषण यूज किया, प्रयोग में लाया है, उसने कहा है बिजली की चमक की तरह उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक देश के हर राज्य में, हर भाषा में ऐसे लोग थे जो राष्ट्र को जागृत रख रहे थे। वे कौन थे? वो नानक था, कबीर था, रैदास था, चैतन्य था, ज्ञानेश्वर था, वो तुकाराम था, नामदेव था, आसाम का शंकर देव था, दामोदर देव था, कर्नाटक का बसवेश्वर था, सारे देश में थे और ये हजारों थे, हर भाषा में थे, ये पॉलिटिकल नहीं थे। ये क्या थे? तो क्रियर्सन बर्नेट लिखता है और बोलते हैं कौन थे, समझ में नहीं आ रहा कौन संचालित कर रहा था इसको। राजा तो समाप्त था, सेना तो थी नहीं, मंदिर भी लगभग लगभग ध्वस्त थे, प्रशासन हिंदुओं के हाथ में नहीं था, लेकिन राष्ट्र का जागरण जारी था, राष्ट्र जिंदा था, राष्ट्र मरा नहीं था। ये क्या था? अब मैं पूछना चाहता हूं, वंदे मातरम का एक शब्द सारे देश को कैसे इंस्पायर करता है, क्या कारण है? वंदे मातरम ये आजादी की लड़ाई नहीं थी केवल, वंदे मातरम एक आध्यात्मिक समर्पण था। एक शब्द के अंदर ऐसा जादू कैसे आ गया? बदले में कुछ मांगते नहीं थे लड़के, वंदे मातरम बोलते थे और कूद जाते थे आगे, न भविष्य देखते थे न वर्तमान देखते थे। कौन सी चिंगारी ऐसी थी एक शब्द के अंदर हजारों लाखों लोगों के अंदर कुछ भी समर्पित करने के लिए आगे बढ़ा देती थी? अध्यात्म था भारत का, तो हजारों साल से चला आ रहा था यह अध्यात्म था। वंदे मातरम पॉलिटिकल नहीं था, वंदे मातरम एक आध्यात्मिक आह्वान था जो इस देश की नस नस में हजारों साल से बैठा था। जरा सी माचिस की तीरी लगी, हजारों लाखों लोग आगे बढ़ गए। ये क्या था? अरविंद लिखते हैं ये हिंदू राष्ट्र का एक संकल्प था, प्राण था। जब उसने देखा ये हमारा प्राण है, सारा देश खड़ा हो जाता था इसके पीछे, इसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन फिर हम लोग अंत में आते हैं कि इस हिंदू राष्ट्र का बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसके मूल मौलिक सिद्धांत क्या है। ये तो मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए, कुछ प्रैक्टिकल बताई, घटनाएं बताई, मौलिक सिद्धांत मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, हालांकि कठिन काम है। नंबर एक, इस देश का प्रत्येक व्यक्ति ये बात को जानता मानता स्वीकार करता है कि सारा समाज एक है, सारा समाज एक है, यही अपने देश में एक विशेष बात है। ये डिवीजन नहीं चाहता, डिवीजन को मानता भी नहीं है, हम और वे ये नहीं मानता, हम सब। आश्चर्य की बात ऐसी है, भारत में कोई भी प्रार्थना सिंगुलर में नहीं की गई थी, भारत में कोई भी प्रार्थना वैदिक काल से लेकर के पौराणिक काल तक ये सबके लिए की गई थी। और इसलिए जब वो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये क्या है? ये डिविजिव नहीं है, बंटवारा नहीं, हम और तुम नहीं, हम सुखी रहो तुम दुखी रहो, हम स्वर्ग में जाएंगे तुम नरक में जाओगे, हमको जन्नत तुमको दोजख, ये नहीं है। इस देश का कोई भी संप्रदाय कोई भी मत इसके विपरीत नहीं जा सकता, कोई भी मत ये नहीं कह सकता नानकपंथी ये स्वर्ग में जाएंगे, नानकपंथी जो नहीं है ये नरक में जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, सब जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये इस देश का फंडामेंटल मामला है, बेसिक मौलिक बात है, और इसको काटने वाला कोई भी मत संप्रदाय दर्शन भारत में वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो पैदा ही नहीं हो सकता। अर्थात ये विभाजनकारी नहीं, मेरे मत मानने वाले लोग ये घेरे में बारे में ये अच्छे, बाकी बारे के बाहर घेरे के बाहर लोग ये पापी, ये दर्शन इस देश का नहीं है। इस देश का दर्शन है सब, वो अमेरिका में रहने वाला है चाहे कहीं रहने वाला है सब। और इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी भी प्राणी के साथ वैर नहीं रखना तुम, सर्वभूत हिते रहता, सब प्राणियों के हित की जो बात करता है वही मेरा भक्त हो सकता है, ये नहीं मैं केवल अपने साम्राज्य की नहीं, ऐसा नहीं, मैं अपने देश की नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, ये सर्वजन समन
अन्वय जो है इसमें बड़ा भारी एक भाव है, एक आत्म बोध है। इसे भारत के दर्शन का यह पहला मौलिक सिद्धांत है। हमारा दर्शन किसी भी प्रकार से डिविजिव नहीं है। अपने लिए चिंतन करने वाला, केवल अपने लिए चिंतन करने वाला वो अभारती है। चाणक्य जो है वो लिखता है अर्थशास्त्र, तो छोटी सी लाइन लिखता है मौलिक रूप से सैद्धांतिक दृष्टि से प्रतिव्याह लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। प्रतिव्याह सारी पृथ्वी के लाभ की पालना जिस शास्त्र से होती है वो अर्थशास्त्र है। प्रतिव्याह लाभ पालनोपाय जो मगध का है, तो बोलते था मगध साम्राज्य के लोगों के आर्थिक उन्नयन की हम जो चर्चा करते हैं ये नहीं किया। सारे पृथ्वी का, उसमें उनके शत्रु भी होंगे, डिविजिव नहीं है, विभाजनकारी नहीं, मैं और तेरे नहीं, मेरे मत वाले विपरीत मत वाले, ये बिल्कुल नहीं। मौलिक सिद्धांत एक या इस देश का है, और इसलिए इस देश के लोगों ने कभी किसी को स्लेव नहीं बनाया, गुलाम नहीं बनाया। गुलाम बनाकर बंधक बनाकर के लोगों को बाजार में बेचने का काम इस देश में कभी नहीं, दूसरे देशों को जाकर के लूटना देश ने कभी नहीं किया। क्यों? जिनको लूटेंगे अपने ही हैं, इनको गुलाम बनाएंगे, स्लेव बनाएंगे और स्लेव बना करके दुनिया में बेचेंगे, वे कौन है? अपने ही हैं। ये मौलिक सिद्धांत था। ऋग्वेद का जो पहला ग्रंथ है सारे विश्व में, उसने दूसरा सिद्धांत हमारे संस्कृति के, देश के, राष्ट्र के बिल्कुल बाहर के तोरण द्वार पर लगा करके टांग दिया। क्या? एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। जिस ऋषि ने इसको दिया होगा उसकी बुद्धि और हृदय तुम लाख बार प्रणाम करें तो भी शायद वो हमारी कृतज्ञता अधूरी रह जाएगी। ऐसा बैनर टांग दिया कि इसको काटने की हिम्मत इस देश में किसी को नहीं हुई। कोई पंथ आया, पंथ चला गया, ऋग्वेद का ऋषि लिख करके चला गया, फाइनल वर्डिक्ट, अल्टीमेट ट्रुथ इज वन एंड वन ओनली। कोई सा भी रास्ता आइए, आइए जाइए, इसने सारे कलुष खत्म कर दिए। एक्सट्रीम एक्सेप्टेबिलिटी इसने ला दी और हिंदुओं के हृदय को इतना विस्तीर्ण, इतना विशाल कर दिया, जिसमें लाखों लाखों विचार समाहित हो सकते थे। हिंदुओं का आंगन इतना बड़ा हो गया कोई भी आकर के बस सकता था। और इसीलिए हिंदुओं ने कहा तो मुसलमान आए व्यापार करने के लिए, उनकी मस्जिद बनाने को जमीन है भारत के हिंदू राजाओं ने दी। जब वो जेवियर वगैरह आए उनको चर्च बनाने की जमीन है हमने दी। यहूदी आए उनको ठहराया हमने, जब पर्शियंस आए उनको ठहराया हमने, वे हमारे मत के नहीं थे, इस देश की भूमि के विचार के लोग नहीं थे। लेकिन सत्य एक ही है, हमको यही ध्यान में था वे मस्जिद में रहकर के भी यही बात बोलेंगे। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ती, ये मौलिक सिद्धांत इस देश का है। क्या इस देश का कोई पंथ ऐसा पैदा हुआ जो कहता हूं हम इसको नहीं मानते? आप आश्चर्य करेंगे, एक भी नहीं। और मुझको तो और ज्यादा आश्चर्य उस समय हुआ जब मैंने आसाम की 42 जनजातियों की कॉन्फ्रेंस में यह प्रश्न सामने रखा, क्या हम में से कोई जनजाति है ऐसी जो दूसरी जनजाति की पूजा पद्धति को रिजेक्ट करती हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं। दूसरी पूजा पद्धति के बारे में कुछ है ध्यान धारणा रखते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं। क्या दूसरे की पूजा पद्धति वालों को ला करके अपने पूजा पद्धति वालों का नंबर बढ़ाने का कोशिश करते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आश्चर्यजनक सत्य मुझको बताया, 222 जनजातियों में से आज तक सैकड़ों साल के इतिहास में एक भी जनजाति ने एक भी प्रयत्न ऐसा नहीं किया कि दूसरी जनजाति के व्यक्ति को ला करके अपने पूजा वालों की संख्या बढ़ा दे। नहीं नहीं, उनका भी सत्य भाई साहब, उनका भी अच्छा है। दिमाशा कहता है नागा भी अच्छा है, नागा कहता है कार्वी भी अच्छा है, कार्वी कहता है आदि भी अच्छा है, आदि कहता है आपातानी भी अच्छा है, आपातानी कहता है मिजो भी अच्छा है। कितनी आश्चर्यजनक बात थी। इस संदेश को कौन लेकर के उन निरक्षर वनवासी लोगों के पास गया होगा, ये कैसे आया होगा? मैंने उनसे पूछा, आप पूजा में क्या मांगते हैं? हम अपने जानवरों के बारे में अच्छा कहते हैं, हमारे जानवर अच्छे रहे। और क्या मांगते हैं? हमारी फसल अच्छी रहे, हमारे गांव के सब लोग अच्छे रहे। और क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं सारे दूसरे गांव के लोग भी अच्छे रहे। और क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं दुनिया भर के सब लोग अच्छे से रहे।
कितना सुंदर दर्शन, कैसे पहुंच गया ये हिंदू राष्ट्र वनवासी क्षेत्रों में कैसे पहुंचा, यह आश्चर्य की बात है। कौन लेके गया होगा, वे निरक्षर है बेचारे, वे तो वेद गीता रामायण नहीं पढ़े, फिर दर्शन वहां पहुंचा। और इसलिए पहली बात, हम डिविजिव नहीं है, हम विभाजनकारी नहीं है, हम सर्वजन समावेशी है और हम सबके विचारों को सम्मान देने वाले हैं। ये मौलिक सिद्धांत इस देश के हैं, इस देश का एक मौलिक प्रवाह है और इस बात पर हमारा पूरा देश एकमत है। आप तमिलनाडु में चले जाइए ना, वहां के लोगों से पूछिए, यही बात बोलेगा, बिल्कुल सबकी पूजा पद्धति के बारे में सम्मान करेगा, सबके विचारों के बारे में सम्मान करेगा और सबके सुख की कामना और कल्पना करेगा। इसको हिंदू शब्द दीजिए, भारतीय शब्द दीजिए, मत दीजिए, लेकिन देश का मौलिक प्रवाह है, इस देश का ये मौलिक सिद्धांत है और ये हम लोगों ने बहुत गहराई के साथ इस देश में देखा बैठला है। हम कह सकते हैं हमारा यह सिद्धांत भारतीय है, हम कह सकते हैं हमारा यह सिद्धांत वैश्विक है, हम वैश्विक होते हुए भी भारतीय हैं और भारतीय होते हुए भी हम वैश्विक है और इसलिए हमारा यह सिद्धांत राजाओं और राज्य की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं था। हमारे सिद्धांत को ले जाने वाले कोई सैनिक सेनापति या ये बड़ी बड़ी सेनाएं बड़े बड़े युद्ध ये नहीं थे। ये सिद्धांत या दर्शन किस प्रकार से लोगों के पास पहुंचा ये दूसरी कहानी है और इसलिए जो पश्चिम के नेशंस हैं उनके पीछे सेना है, उनके पीछे सेनापति है, पीछे कोई राजा है, युद्ध है, लड़ाई है, साम्राज्य है, उसमें से पैदा हुआ एक शासन प्रशासन और एक नेशन है। भारत को किसने बनाया, कौन सी सेना चली थी, भारत को बनाने वाले कौन लोग थे जो साम्राज्य स्थापित करके भारत को निर्माण में, ऐसा नहीं था। हजारों राजा हो गए लेकिन राष्ट्र का मौलिक सिद्धांत एक था और इसलिए इस मौलिक सिद्धांत में कर्म कांड है, तीर्थ है या पुस्तक है, कोई ग्रंथ है या कोई उपदेशक है, या उपदेश है, कथा है, कीर्तन है, ये सारा बाह्य रूप है, ये तो बाहर का है, ये परिवर्तनीय है, ये ऐच्छिक है, मानिए मत मानिए, मौलिक सिद्धांत अपरिवर्तनीय है, उनमें कोई भी परिवर्तन किसी को स्वीकार नहीं है और जन्म से है। अंत में मैं बताना चाहता हूं इस दर्शन का आधार आध्यात्मिक है, न पॉलिटिकल है, न इकोनॉमिक है, न साम्राज्यवादी सेनाओं का है, न संविधानों से राष्ट्र बना था, ये राष्ट्र दर्शन निर्माण हुआ था अध्यात्म से। अध्यात्म को लेकर के इस राष्ट्र में इतना भारी गहराई तक ये बैठता चला गया, लोगों के मन में गहराई से बैठता चला गया, लोगों ने इसको स्वीकार किया, लोगों ने इसको माना, सबके अंदर की जो आत्मा है परमात्मा का एक अंश है और इसलिए हमारा जो भगवान है, इस देश के जो मानने वाले लोगों का भगवान है, उनका एक बेसिक कंसेप्ट है, एक मौलिक दर्शन है, मौलिक चिंतन है, परमात्मा सर्वव्यापी हमारे सबके अंदर समान रूप से विराजमान है, हमारा गॉड या हमारा अल्लाह सातवें आसमान पर नहीं। अगर मैं कहूं मेरा नाम अल्लाह है तो मुझको सजाए मौत मिलेगी, आपको मालूम है, अगर कोई मुसलमान अपने बच्चे का नाम अल्लाह रख दे तो मुस्लिम कानून से उसको मृत्युदंड मिलेगा, अल्लाह के साथ भागीदारी ये शिरकत करना पाप है। वो अच्छा है बुरा है, हम इस विषय में नहीं जाते, भारत का दर्शन थोड़ा दूसरा है। इस भारत के आध्यात्मिक दर्शन ने उसी आत्मा को सबके अंदर पाया जो उसके अंदर थी और इसलिए हम और तुम, हम और वे, ये सब और वे सब अलग है ही नहीं, इसने इतना सुंदर गहरा एकात्म बोध पैदा कर दिया और हजारों पीढ़ियों से इतना गहरा बैठ गया। गांव के किसी घास काटने वाले किसी छोटे सामान्य व्यक्ति से आप पूछे भगवान कहां है, कहेगा बेटा भगवान मेरे अंदर भी है, भगवान तेरे अंदर भी है, भगवान सर्वत्र है, बता देगा। कर्म फल कैसा होता है बता देगा, अच्छे काम का अच्छा परिणाम, बुरे काम का बुरा परिणाम वो बता देगा। दो घंटा घंटी बजाने से बेटा कुछ होने वाला नहीं है, कर्म अच्छे करो, ये मौलिक चिंतन है। मैंने बताया ना कर्म कांड ये बाह्य है, बाहर का है, परिवर्तनीय है, ऐच्छिक है,
लेकिन राष्ट्र का मौलिक चिंतन दर्शन जो है वो सैद्धांतिक है, वो व्यवहारिक है, और इसलिए राष्ट्र ने पूजा पद्धति की छूट सबको दे दी, प्रश्न पूछने की छूट सबको दे दी, कोई ग्रंथ मान्य न मान्य की छूट सबको दे दी। अलग प्रकार का राष्ट्र दर्शन यहां विकसित हुआ। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा परंपरा से हजारों साल से चला आ रहा है वही राष्ट्र दर्शन मौलिक है। हम शब्द से हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, शब्द से भारतीय भी बोल सकते हैं, लेकिन भ्रम उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें वे लोग जो ये कहेंगे ये काफिर है, उन काफिरों को यहां लाने का दायित्व तो हमारे ऊपर अल्लाह ने दिया है, कैसे भी लाओ, इनके मंदिर तोड़ने से हमको तो फलानी पदवी मिलेगी, हम ये कहलाएंगे और वो कहलाएंगे। ये दर्शन भारत का नहीं था, और इसलिए मौलिक सिद्धांत था वे कौन है, मदर टेरेसा यहां है या पोप यहां आते थे, वो मदर टेरेसा के साथ रह करके पोप साहब क्या बोलते थे। देखो क्या दुर्भाग्य है, ये लोग काली की पूजा करते करते अंधकार के गर्त में जा रहे हैं, ये अंधकार में जा रहे काली के इन भक्तों को निकाल करके लाना प्रकाश में, ये हमारा एक बड़ा दायित्व है। ऐसा बोलने की हिम्मत भारत में है? अरे काली की पूजा कर रहे हैं, हमने उनको छूट दी है, हमने नहीं दी, भगवान ने छूट दिया, काली की पूजा करो, देवी की करो, करो मत करो, लेकिन काली की पूजा करने वाले पापी है, और जब तक वे यहां नहीं आएंगे जीसस के चरणों में तब तक उनका उद्धार होने वाला नहीं है। ये कौन सा दर्शन है, कौन सी फिलोसफी है? हम नहीं मानते ठीक है, हम ये भी नहीं मानते कि भगवान या गॉड कोई है, इतना अज्ञानी है क्या कि चार प्रकार की पूजा पद्धति को नहीं समझ पाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने इतना इंटॉलरेंट बिहेवियर होने के कारण से दुनिया में कितना अत्याचार किया है, वो उनका दर्शन है, उनका फिलोसफी है, उसके आधार पर उन्होंने अपने अपने नेशंस बनाए हैं। एक्सट्रीम इंटॉलरेंस उनकी जड़ में है, वो भाषा को लेकर झगड़ा करेंगे, रिलीजन को लेकर झगड़ा करेंगे, आर्थिक मुद्दों पर झगड़ा करेंगे, और दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रेम सहानुभूति दया श्रद्धा ममता करुणा इसका लेश मात्र भी देखने को कई बार नहीं मिलता। चाइना में लोग गए, दो बार जो ओपियम वार हुआ फ्रांस के और इंग्लैंड के लोगों ने, वहां के लोगों को जबरदस्ती हरा करके अफीम बिक्री करके अफीम के नशे में डाला, पैसा लूटा। भारत के लोग भी चाइना में गए थे, उनकी हत्याएं हुई, लेकिन उन लोगों ने प्रेम का दया का करुणा का बौद्ध मत का प्रचार किया, सैकड़ों लोग मरे लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। तिब्बत में गए, मंगोलिया में गए, ये भारत का दर्शन वहां गया, दुनिया में गया, वो क्या था, वो हिंदू दर्शन था, इस देश के धरती से निकला था, प्रेम था, करुणा था, ममता थी और एकांत भाव था। मैं समझता हूं डॉक्टर हेडगेवार ने इस हिंदू राष्ट्र को ठीक प्रकार से समझकर कहा इसको मजबूत बनाने की आवश्यकता है, यह मौलिक दर्शन है देश का, डॉक्टर हेडगेवार ने दिया ऐसा नहीं है, या रविंद्र ने दिया, या विवेकानंद ने दिया, या मालवीय जी ने कहा, किसने नहीं कहा, तो राष्ट्र की गहराई में जाएगा इसी दर्शन पर आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग भ्रम के कारण से अथवा स्वार्थ के कारण से या किसी डर के कारण से ये घालमेल करने की कोशिश करते हैं, उनका भी भला नहीं होता, दूसरों का भी भला नहीं होता। हाँ, इस देश में स्थान सबको है, सबका सम्मान करते हुए अपनी अपनी पूजा पद्धतियों का पालन करते हुए वे इस देश के मौलिक दर्शन का सम्मान करते हुए जिए, पूजा पद्धतियों का विरोध नहीं है, पूजा पद्धति कैसे भी रहे मौलिक दर्शन बदल नहीं सकता इस देश का। और इसलिए आज हम देखते हैं डॉक्टर हेडगेवार कोई बड़े विख्यात व्यक्ति नहीं थे, बड़े भारी वे लेखक भी नहीं थे, बड़े भारी संपत्ति वाले ऐसे व्यक्ति भी वे नहीं थे, लेकिन कोई तो उन्होंने ऐसा विचार रखा जिसको लेकर के आज 85 लाख लोग खड़ा हो जाते हैं। क्या कारण था, कोई झूठी बात या किसी अपप्रचार से प्रसिद्धि पा करके या किसी को बहका करके भ्रम में डालकर कुछ समय तक चलाया जा सकता है? देश के लाखों की संख्या में प्रोफेसर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, इस संघ के विराट आंदोलन के साथ जुड़ा है, न भ्रम के कारण से न स्वार्थ के कारण से, उस सनातन सत्य को समझ करके निष्ठा के साथ बढ़ रहा है। इसलिए उससे लड़ने वाले लोग या तो अज्ञानवश आक्रमण करते लड़ते झगड़ते
या स्वार्थवश। नेहरू जी ने एक समय कहा था, आई विल नॉट अलाउ इंच ऑफ लैंड ऑफ दिस नेशन फॉर दिस भगवा झंडा, आई विल नॉट अलाउ सिंगल इंच ऑफ लैंड। उनकी कृपा से राष्ट्र खड़ा हुआ नहीं है। उनको कितना संघ समझ में आया मैं नहीं जानता, कितना राष्ट्र समझ में आया मैं नहीं जानता, लेकिन आज उनकी बात केवल एक पुस्तक में एक वाक्य की तरह लिखी है। देश में लाखों की संख्या में स्वयंसेवक खड़े हैं, इस राष्ट्र दर्शन को लेकर के खड़े हैं। मैं समझता हूं इस मौलिक राष्ट्र दर्शन को हम लोग ठीक प्रकार से समझते हैं, अच्छे प्रकार से समझते हैं। आप सभी लोग पहले से संघ के विषय के जानकार बंधु हैं। मैंने तो केवल उस सारी बातों को पुनरावृत्ति मात्र की है। आप सभी ने मुझको बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी को नमस्कार।